हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम यू ऑल इन माधव अकाउंटेंसी क्लासेस। आज हम दोबारा एक नए चैप्टर के साथ और उसके अंदर हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आप लोगों के बीच में आए हैं। आपको बहुत ध्यान से इस लेक्चर को सुनना है, समझना है, क्योंकि इसके अंदर केवल हम वही क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। मतलब आपको वैसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना है। जो हमने क्वेश्चन पिक किए हैं वो किस में से किए हैं, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से। बहुत ध्यान से इन क्वेश्चन को समझना है ताकि आपके एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, दैट इज ओम शांति एंड नमो आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ठीक है गाइस, दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। पहले उनकी रेशियो थी 5:3:2, अब उनकी रेशियो भी है 2:3:5 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। फॉर दिस पर्पस value of goodwill is to be calculated on the basis of 4-year purchase of average profit of last 5 years। आपको क्या करना है, average profit निकालना है last 5 सालों का और उसका 4-year purchase। ठीक है guys, the profit one, जो profit दिए हुए हैं year ended 31st March 2018 को दिए हुए हैं 30,000, 19, 70,000, 20, 1 lakh, 21, 1 lakh 40,000 and 22, 1 lakh 20,000 का bracket में दिया हुआ है। इसका मतलब होता है loss। All right guys, इसको हम loss बोलते हैं। On 1 April 2021, 5 cycle costing rupees 20,000। एक बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, उसने 20,000 की cost बोली है, उसने ये नहीं बोला each। कई बच्चे गलती क्या करते हैं, सोचते हैं कि 20,000 each है तो उसको 1 lakh कर देते हैं। यहाँ पर each नहीं बोला है, तो 5 cycle 20,000 रुपीज की है, वर परचेज आपने परचेज की है एंड वर रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस। आपने उसको गलती से ट्रेवलिंग एक्सपेंस में दिखा दिया, मतलब आपने उसको एक्सपेंस मान लिया। थी वो आपकी एसेट क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, गलती से आपने उसको एक्सपेंस दिखा दिया। डेप्रिसिएशन ऑन साइकिल वाज टू बी चार्ज, आपको चार्ज करना था क्योंकि खर्चा मान लिया, तो डेप्रिसिएशन आपने नहीं लगाया होगा, तो आपको डेप्रिसिएशन जो लगाना चाहिए था वो 25% लगाना चाहिए था। आपको जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन गिविंग वर्किंग नोट्स, आपको इनकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जर्नल एंट्रीज के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले आपको गुडविल की वैल्यू करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी कि गुडविल है क्या, और उसके बाद जो भी गेन और सैक्रिफाइस निकाल कर फिर उसकी आप जर्नल एंट्री पास करोगे। ठीक है गाइस, तो सबसे पहली चीज हम पहले गुडविल निकालते हैं। देखो हमारे पास, देखिए 30,000, 70,000, 1 lakh, 1 lakh 40,000 और 1 lakh 20,000 का लॉस। देखो कब की बात कर रहे हैं, केवल चेंजेस जो है वो एक साल में, On 1 April 2021, मतलब ये इस साल की बात कर रहा है। ठीक है गाइस, 5 cycle costing है उसकी 20,000, were purchased और wrongly debited to travelling expense, आपने उसको travelling expense में दिखा दिया। तो देखो अगर मैं बात करूं 1,20,000 का loss है, अगर मैं इसी साल को लेता हूं, ये loss है, आपने इसमें 20,000 का expense दिखा दिया, अब उसको हटाएंगे तो losses आपके जो कम हो जाएंगे, मतलब 20,000 आपका खर्चा कम होगा तो लॉसेस आपके कम हो जाएंगे, तो 20,000 यहाँ पर एड बैक हो जाएगा। ठीक है, तो दैट वुड भी कितना आ जाएगा, 1 lakh, ये 1 lakh का लॉस रह गया। ठीक है, उसके बाद आपने इसको क्या मान लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब उसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन लगाना है क्योंकि आपने पहले डेप्रिसिएशन लगाया नहीं था, तो कितना 25%, तो कितने के ऊपर, दैट इज 20,000 के ऊपर 25%, दैट वुड बी 5,000। तो इससे आपके लॉसेस, आपके एक्सपेंस बढ़ेंगे तो लॉसेस बढ़ जाएंगे, तो 5,000 का एक और लॉस हो गया ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1,05,000 का टोटल लॉस आ गया। ठीक है गाइस, तो ये अल्टीमेटली इस साल का आपका लॉस आ गया। तो 30, देखो मैं इसका एवरेज निकाल लूं, 30 और 70 कितना हो गया, 1 lakh, 1 lakh और 1 lakh, 2 lakh, 2 lakh और 1 lakh 40, दैट वुड बी कितना हो जाएगा, 3 lakh 40। तो 3 lakh 40,000 तो ये हो गया हमारा, ठीक है, 4 सालों का, और एक ये है 1 lakh 5,000। ठीक है, ये हमारा लॉस है, इसको क्या करेंगे, माइनस, दैट वुड बी कितना आ जाएगा, देखो 1 lakh 2 lakh 3 lakh 40 माइनस 1 lakh 5,000, 0 0 0, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा कितना, 2 lakh 35,000। इसको आप क्या करोगे, 5 से डिवाइड करोगे, 2 lakh 35,000 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 5, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 7, 47,000, दैट इज योर एवरेज प्रॉफिट।
और गुडविल कितना बोला गया, 4 ईयर परचेज, तो गुडविल आ जाएगी आपकी दैट वुड बी 4 × 47,000। ठीक है गाइस, तो ये आ जाएगी 0,0,0,8,8,1,88,000, दैट इज योर गुडविल। तो सबसे पहली चीज आपने गुडविल की वैल्यू निकाली कि गुडविल हमारी कितनी होगी जब रेशियो में चेंज हो रहा है, तो ये गुडविल पूरी फर्म की गुडविल की वैल्यू आ गई 1,88,000। अब देखिए, अब आगे क्या बोला गया है कि रेशियो हमारी पहले कितनी थी, 5:3:2, ठीक है, और उसके बाद अब रेशियो हो गई है 2:3:5। तो हमें क्या करना है, हमें गेन और सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा, क्योंकि जर्नल एंट्री तभी पास होगी जो पार्टनर गेन करता है उसके कैपिटल को डेबिट किया जाएगा, जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसकी कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा। अब देखना गेन और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है। देखो हमारे पास 5:3:2 पहले थी, 5:3:2, अब हो गई 2:3:5। ठीक है, कौन कौन पार्टनर है, देखिए पार्टनर है हमारे पास ओम शांति एंड नमो, यहां पर मैं लिख देता हूं, दैट इज योर ओम शांति एंड नमो। ठीक है, अब मैं सबसे पहले अगर ओम की बात करूं, ओम ने कितना सेक्रीफाइस और गेन किया है, पहले उसकी थी 5/10 माइनस अब है 2/10, तो इसने क्या किया है सेक्रीफाइस, दैट इज 3/10। ठीक है, उसके बाद शांति, शांति की थी पहले 3/10 माइनस 3/10, तो इसने कुछ भी नहीं किया, ना गेन और ना सेक्रीफाइस, इसने किया सेक्रीफाइस। ठीक है गाइस, उसके बाद अगर मैं बात करूं नमो की, नमो का देखिए पहले था 2/10, अब हो गया 5/10। ठीक है, तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, 3/10 नेगेटिव आएगा, इसका मतलब इसने गेन किया। तो ओम ने क्या किया सेक्रीफाइस और नमो ने क्या किया दैट इज गेन। तो क्या किया जाएगा, जिस पार्टनर ने गेन किया है उसकी कैपिटल डेबिट कर दी जाएगी, और जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया उसकी कैपिटल को क्रेडिट कर दिया जाएगा। देखिए तो यहाँ पर ओम को, ओम ने सेक्रीफाइस किया, कितने से क्रेडिट होगा, 1,88,000 × 3/10, दैट वुड बी कितना आ जाएगा, 0,0,4,6,5, तो ये आ जाएगा 56,400। तो क्या होगा, ओम ने सेक्रीफाइस किया तो कैपिटल क्रेडिट होगी और नमो की डेबिट हो जाएगी। देखिए यहाँ पर एंट्री हमारी हो रही है नीचे, तो एंट्री वुड बी दैट इज ऑन 2022 अप्रैल 1, नमोस कैपिटल अकाउंट डेबिट 56,400, 2 में ओम्स कैपिटल 56,400। देखिए वर्किंग नोट ये सब मैंने आपको करके दिखा दिया, आई होप ये वाला आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है 3 मार्क्स का। इसके बाद एक और क्वेश्चन हमने ड्राफ्ट किया आप लोगों के लिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण भीम एंड नकुल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2:2:1, ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। It was decided to change the ratio in 1:2:2. ठीक है guys, goodwill of the firm is valued 2 year purchase of super profit. Super profit के ऊपर based है, on the average profit of last 3 year. आपको अपना average करना है और super profit के basis पर निकालना है. Profit for the last 3 year is 5 lakh, 5 lakh 50 and 6 lakh. ठीक है, ये आपको पिछले 3 सालों का क्या दिया हुआ है profit, इससे आप अपनी average निकालना, और नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है दैट इज 3 लाख, तो इससे आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। आप अपना पहले एवरेज निकालोगे और उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को आप क्या करोगे, माइनस करोगे। ठीक है, उसके बाद गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक, जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर कर रही है, ये गुडविल ऑलरेडी बुक्स में अपीयर कर रही है, दैट इज 1,50,000। बहुत ध्यान से समझना, आपसे मांगा क्या गया, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अकाउंटिंग ऑफ गुडविल बाय रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल या स्क्रैच, क्योंकि अब की बार आपको पता है आपके सिलेबस में ये चीज नई ऐड ऑन हुई है, आपकी बार इंक्लूड की गई है राइजिंग और राइटिंग ऑफ गुडविल, तो आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्योंकि जब न्यू ऐड हुई है तो आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से समझना है, सबसे पहली बात जो गुडविल अपीयर हो रही है, आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है, जो गुडविल अपीयर हो रही है बात को ध्यान रखना, उसको पहले राइट ऑफ कर दो, गुडविल जो अपीयर हो रही है बुक्स के अंदर, क्योंकि वो बैलेंस शीट की एसेट साइड में आ रही होगी, कितनी 1,50,000, इसको राइट ऑफ करो। तो एंट्री वुड बी क्या हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, तो एंट्री वुड बी अर्जुन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, भीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, नकुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, ये कौन सी की है हमने, दैट इज 1,50,000, ये हमने क्या कर दी, राइट ऑफ। देखो इसकी जर्नल एंट्री नीचे की होगी, तो पहली एंट्री होगी दैट इज ऑन अप्रैल 1, 2022, अर्जुन्स कैपिटल, भीम्स कैपिटल, नकुल्स कैपिटल टू गुडविल। ये कौन सी गुडविल है जो ऑलरेडी अपीयर हो रही है, और किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो थी 2:2:1, तो 60 60 एंड 30 दैट इज 1,50,000। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। इसके बाद
दूसरी कौन सी गुडविल है, क्योंकि दो ही गुडविल की बात की गई है यहां पर, एक तो पहली जो गुडविल अपीयर हो रही है, दूसरी जो हम गुडविल को वैल्यू करेंगे उसको आपको क्या करना है, पहले रेज करना है फिर राइट ऑफ करना है। देखिए सबसे पहली बात आपको क्या करना पड़ेगा, गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आपको गुडविल कैसे बोला गया है, सुपर प्रॉफिट, पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकालना है, एवरेज प्रॉफिट से सुपर प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, देखो एवरेज प्रॉफिट उसने बोला 3 साल का लेना है, लास्ट ईयर 5 और 5 10 और 6 16, 16,50,000, और कुछ नहीं बोला है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 3, ये आ जाएगा कितना 5,50,000, दैट इज योर एवरेज प्रॉफिट जो आप कमा रहे हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट है हमारे पास कितने के 3 लाख के, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट आपके यहाँ से निकल जाएंगे, दैट वुड बी 3,50,000 माइनस सॉरी 5,50,000 माइनस 3 लाख, दैट वुड बी कितना आ जाएगा 2,50,000, ऑलराइट गाइस। और यहाँ से हमारी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी, उसने बोला था गुडविल कितनी है 2 ईयर्स परचेज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल की वैल्यू निकल जाएगी, दैट वुड बी 2 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट 2,50,000, तो गुडविल की वैल्यू आ गई हमारी 5 लाख, ठीक है। ये पूरी फर्म की गुडविल की वैल्यू आ गई। अब उसने क्या बोला है, यूजुअली हम क्या करते थे पहले, जब हम रेजिंग और राइटिंग की बात नहीं करते थे, राइटिंग ऑफ की बात नहीं करते थे, तो क्या करते थे हम, गेन और सेक्रीफाइस निकालते थे, और उसके अकॉर्डिंग जैसे हमने लास्ट अभी क्वेश्चन करवाया उसमें किया वैसा हम कर देते थे। लेकिन अब क्या बोला गया कि आपको गुडविल को रेज करना है फिर राइट ऑफ करना है। तो रेस के केस में पहले आप रेस करोगे तो उसको ओल्ड पार्टनर्स में आप डिवाइड करोगे, रेस करोगे तो गुडविल बढ़ेगी, गुडविल डेबिट होगी, तो एंट्री वुड बी, देखिए गाइस यहाँ पर एंट्री क्या होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट, इसमें ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर कौन कौन है देखिए, दैट इज अर्जुन भीम एंड नकुल, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। सबसे पहली बात देखिए ये एंट्री होगी, देखिए यहाँ पर गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू में अर्जुन, टू में भीम, टू में नकुल्स कैपिटल, किस रेशो में, ओल्ड रेशो, ये ओल्ड रेशो में होगी, ठीक है गाइस। तो देखो 5 लाख को 2:2:1, ये हो गई एंट्री। उसके बाद जब राइट ऑफ करेंगे तो क्या होगा, बहुत आसान है, राइट ऑफ करेंगे इस गुडविल को खत्म करना है, टू में क्या हो जाएगा गुडविल, और इसको गुडविल को दैट वुड बी कितना आ जाएगा 5 लाख, और इसको किस रेशो में किया जाएगा, इसको न्यू रेशो में डेबिट किया जाएगा। तो अल्टीमेटली आप देखोगे तो रिजल्ट वही आएगा जो हम गेन और सेक्रीफाइस का करते थे। तो हम क्या करेंगे, न्यू रेशो में डेबिट, तो तीनों पार्टनर में उनकी न्यू रेशो क्या है, 1:2:2, तो इसका मतलब 5 लाख को 1 लाख, 1 लाख आ जाएगा, ठीक है, 2 लाख एंड 2 लाख, तो ये उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। चेक कीजिए थर्ड एंट्री हमारी हो रही होगी, दैट वुड बी अर्जुन कैपिटल 1 लाख, भीम्स कैपिटल 2 लाख एंड नकुल्स कैपिटल दैट इज 2 लाख, टू गुडविल, दैट इज कॉल्ड, अगर हम रेस कर रहे हैं और राइट ऑफ कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको जर्नल एंट्री करके दिखानी है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एक और एडवाइस करूंगा कि आप एक और चीज इसमें कर लेना कि जब हम अपनी बुक्स वैल्यू को, मान लो कोई एसेट है उसको एज इट इज बुक्स में शो करना चाहते हैं, उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो उस केस में जैसे हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं गेन और सेक्रीफाइस निकालकर, वैसे ही ट्रीटमेंट किया जाएगा, लाइक कोई रिजर्व हम बांटना नहीं चाहते, तो उसी तरीके से ट्रीटमेंट होता है, वो भी आप कर सकते हो, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। आई होप ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आएंगे। अगले अगले जो लेक्चर है उसमें अगेन हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, तब तक इनको आप अच्छे से कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।